पाकिस्तान ने अगर और मौके दिए होते सोहेल तनवीर को तो पाकिस्तान की क्रिकेट बड़ी होती। ये आपको लगता है कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। थिंग्स कुड हैव बीन बेटर, अ लॉट बेटर। मैंने वहाँ आई वॉज प्लेइंग CPL व्हेन आई वॉज लास्ट ड्रॉप फ्रॉम द टीम, और उसी दिन मैंने 5-for-3 का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, मोस्ट इकोनॉमिकल 5-for-in T20 हिस्ट्री। नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन दे अनाउंस द स्क्वाड इन पाकिस्तान आई वॉज ड्रॉप। द थिंग इज आई वॉज डूइंग वेल, बट एनीवेज क्या होता है, क्यों नहीं उठा इतना अच्छा स्पेल? I don't know. अगर आपको अभी बुला लें वर्ल्ड कप के लिए सर? No, I'm done now. For international cricket के लिए I'm done. UBK Cricket Diary only on Radio City. ये है UBK की क्रिकेट डायरी मेरे यानी UBK के साथ, एंड इट इज सच एन ऑनर के मेरे साथ हैं द लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर सोहेल तनवीर। सोहेल भाई वेलकम टू UBK क्रिकेट डायरी। थैंक यू। मैं डायरी में आपको सीधा इतिहास में ले जाता हूं, क्योंकि पाजी की डायरी तो नहीं, ये दूसरा यूवी है जो युवराज नहीं है। पाजी क्या T20 फॉर्मेट आपका फेवरेट फॉर्मेट है? हाँ या ना? मतलब जितनी लीग्स आपने, अगर मैं एक पाकिस्तान प्लेयर के तौर पे कहूँ, आपने वर्ल्ड ओवर खेली हैं, जो आपने स्पेल्स करवाए हैं बॉलिंग के, मुझे लगता है कि T20 फॉर्मेट के लिए ही आप बने हो। क्या आपको लगता है कि यार हाँ यार मैं इसी में अपना कंफर्ट जोन देखता हूँ? नहीं, आई गेस मैं रेड बॉल में भी ज़्यादा अच्छा क्रिकेटर था, बट आई कुडंट गेट द अपॉर्चुनिटीज इन टेस्ट क्रिकेट। 4-day क्रिकेट में मैंने बड़ा अच्छा किया बोथ विद बैट एंड बॉल, बट वो एक टैग लग गया सिंस IPL, तो उस सब को लगा कि जी मैं सिर्फ वाइट बॉल और वो T20 का प्लेयर हूँ, तो मुझे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ उधर ही मिलना शुरू हो गई। तो क्या होता था, मैं फर्स्ट क्लास खेलता था, फर्स्ट क्लास में 5-5 आउट करता था, 7-50 किया, 70 किया, तो मेरा टीम में नाम आता था, तो वो सिर्फ T20 की टीम में नाम आता था। तो एक टैग लग गया, आई डोंट नो, बट फिर लेटर ऑन फिर मैंने उसी को एक्सेप्ट कर लिया, एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माय वाइट बॉल क्रिकेट मोर, अपनी T20 में वेरिएशंस एंड ऑल दैट। पर आपको मलाल है कि वो टैग लग गया, क्योंकि 6 विकेट 14 रन या IPL का आपका फर्स्ट सीजन का जो परफॉर्मेंस था, उसके बाद आप कह रहे हो कि आपको शॉर्टलिस्ट या देखा ही ऐसे गया कि 2020 में सोहेल तनवीर बेस्ट है, तो कहीं ना कहीं वो मलाल है कि वो टेस्ट क्रिकेट वाला जो स्कोप है वो निकल गया वहाँ से? ऑब्वियसली रिग्रेट, मैं हमेशा से बोलता हूँ कि वो, अगर मैं कहूँ कि कोई मुझे रिग्रेट है तो वो यही है कि मुझे रेड बॉल में उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल सकी। मैं बहुत अच्छा कर सकता था, एंड गिवन दैट कि आप स्टैट्स देखो मेरे रेड बॉल के तो दे आर इक्वली गुड, बट अगेन कि वही अपॉर्चुनिटीज़, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। पर सर इंजरी आपके लिए बहुत बुरी रही है, और इंजरीज आपके लिए कहीं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी बन गई है। वसीम अकरम, उनको शायद इंजरी हुई थी, आपको मौका मिला, और आप, पता नहीं इसको करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, कि राहुल द्रविड को जो आपने जो बॉल की थी उस टेस्ट मैच में, वो आप कहते हो कि वन ऑफ माई बेस्ट डिलीवरीज, कैसे थी वो बेस्ट, प्लीज एक्सप्लेन दैट। देखिए, क्योंकि वो सिमिलर, वसीम अकरम वॉज माई इंस्परेशन व्हेन आई वॉज किड एंड आई यूज्ड टू वॉच हिम, और उन्होंने सिमिलर डिलीवरी, आपको याद होगा, उन्होंने डाली थी ड्रेविड को, और वो भी इंडिया में था, और इंडिया, आपको पता है, मोस्टली इंडियन, व्हेन यू टॉक अबाउट इंडियन कंडीशन, दे आर मोर फेमस स्पिनिंग कंडीशन, वहाँ पे स्पिनर्स को ज़्यादा एडवांटेज हासिल होता है, और फास्ट बॉलर्स के लिए तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। तो गेटिंग आउट इन इंडिया ऑन अ फ्लैटेस्ट ट्रैक, और वहाँ पे इस तरह का स्विंग करके उस राहुल ड्रेविड, आपको पता है उनको दी वॉल बोलते थे, मतलब उनका डिफेंस इतना स्ट्रांग होता था, एंड आई बिलीव के इट वाज राइट। तो उनके डिफेंस को आप इस तरह बीट जब करते हो, तो ऑब्वियसली आई मीन उस डिलीवरी में कुछ ना कुछ स्पेशल होता है। तो दैट्स व्हाई आई फील के वो दो रीज़न हैं, एक तो कि इट वाज अगेंस्ट ड्रेविड, एंड दूसरा वो सिमिलर डिलीवरी वसीम अकरम ने भी डाली हुई थी, और ड्रेविड को ही डाली थी आई गेस। सोहेल भाई आपने वो टर्म एक्सेप्ट की थी शायद पहली बार, आप ही पहले क्रिकेटर थे, कि मैं फ्रीलांस प्लेयर हूँ, प्लीज़ ये एक्सप्लेन करो ये टर्म कहाँ से आई, फ्रीलांस T20 प्लेयर? देखिए, वो एक बैकग्राउंड वही चला आ रहा था जो मैंने आगे एक्सप्लेन किया, कि मैं करता कुछ था और मुझे अपॉर्चुनिटी सिर्फ वही रेड बॉल में नहीं मिल रही थी, वाइट बॉल में मिलना शुरू हो गई, और फिर मुझे वर्ल्ड वाइड, क्योंकि डिमांड बढ़ती गई, मैं ज़्यादा क्रिकेट खेलता गया, उस अभी तो लीग्स बहुत ज़्यादा हैं, तो हर कोई खेल रहा है। तो अब इफ़ यू गो बैक इन 2012-13 सिंस PSL एंड कैरेबियन लीग स्टार्टेड, उसके बाद से अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी, बट पहले इतनी ज़्यादा लीग्स नहीं होती थी, तो दो चार लीग्स होती थी। आई यूज टू प्ले इन साउथ अफ्रीका, बिग बैश खेला, काउंटी में होती थी,
बांग्लादेश प्रीमियर लीग उसी टाइम पे स्टार्ट हुआ, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी जब मेरी मुझे मिलना शुरू हुई तो एवरीबॉडी वाज लाइक ओके यार वो तो लीग क्रिकेट खेल रहा है तो लेट हिम प्ले और ऑल दैट, तो दैट्स व्हाई आई एक्सेप्टेड ओके जो क्रिकेट मिल रही है मतलब देखिए किसी भी प्लेयर के लिए जो पहला वो होता है प्रायोरिटी इज ऑलवेज टू प्ले फॉर द कंट्री, बट जब आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं देन यू हैव टू एक्सेप्ट कि जो भी आपको मिल रहा है क्योंकि अल्टीमेटली आपने क्रिकेट तो खेलनी है क्योंकि एक एक शॉर्ट स्पाइन होता है बिल्कुल एक प्लेयर के पास, आपको पता है कि 10 से 15 साल मैक्सिमम करें तो कम प्लेयर हैं जो 20 साल तक खेले, नॉर्मली अगर आप देखोगे तो एवरेज 10 टू 15 ईयर्स है, तो देन आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है यू हैव टू एक्सेप्ट इट एंड दैट्स व्हाट आई डिड, जो अपॉर्चुनिटी मिली मैं खेलता गया और फिर वो एक टैग बनता गया। सर शुरू में एक गुस्ताखी के लिए पहले मैं बोल देता हूँ, शायद आपको आप बहुत हताश थे जब आपको पंखा एक्शन की वजह से आपको वो डिस्क्राइब किया गया था, तो ये वो स्टोरी सुनाएंगे वो किसने आपको टैग दिया और उससे क्योंकि आप बहुत डिसअपॉइंट भी हुए थे कि आपको वो टैग दिया गया। देखिए एक अनरियल एक्शन तो है मेरा, आई मीन ऑब्वियसली बहुत आपको कम मिलता है देखने को, और मेरे ख्याल में जब मैंने स्टार्ट किया तो उस टाइम मैं अकेला ही था, उससे पहले 70s में एक बॉलर शायद आए थे जो कि मेरे एक्शन वाले थे, तो ऑब्वियसली वो मुझे वो बुरा इसलिए लगता था कि लोग यही समझते थे कि मेरी सक्सेस के पीछे सिर्फ जो कारण है वो मेरा एक्शन ही है, तो मुझे वो चीज़ बुरी लगती थी कि पीपल नेवर अप्रिशिएट माई स्किल्स, कि वो दे यूज टू से कि यार वो एक्शन ऐसा है तो एक्शन की वजह से डिफ़िकल्टीज होती हैं, बट एक्शन जो है ना वो आपको इट गिव्स यू सक्सेस फॉर सर्टन टाइम ऑफ पीरियड, के जब इतने बड़े बैट्समैन इतने लेवल पे आपको एक से दो बार खेलते हैं तो दे सेटल डाउन, उनको वो आइडिया हो जाता है, ऐसा नहीं होता कि बार बार आप वो उनको एक्शन से ही डिस्टर्ब करते हो, तो मैंने जो थ्रू आउट द ईयर सक्सेस हासिल किया है एक्शन वाजंट द ओनली रीज़न, बल्कि मैंने अपनी आई थिंक इट वाज मोर माय स्किल्स देन एक्शन। यस आई एक्सेप्ट कि जब मैंने 2007 में डेब्यू किया अगेंस्ट इंडिया वो वर्ल्ड कप में मुझे एक्शन ने बहुत हेल्प किया क्योंकि नोबडी न्यू मी नोबडी फेस्ड मी बिफोर, तो वो एक सरप्राइज पैकेज था, बट द मोर आई प्लेड पीपल गेट यूज टू ऑफ इट, तो वो एक्शन को फिर आप साइड पे आपको रखना पड़ा और आई फील के मुझे फिर वो चीज़ बुरी लगती थी। किसने टैग दिया था आपको? आई डोंट रिमेंबर टू बी ऑनेस्ट के वो हाँ पंखा एक्शन किसने मुझे बोला था, बट देन पीपल स्टार्टेड सेइंग इट, तो वो एक्शन से तो मतलब लोग मुझे अजीब एक्शन का बोलते हैं तो मुझे वो बुरा नहीं लगता, बट जब वो मेरी सक्सेस को उससे रिलेट करते हैं ना तो देन इट। तो कोई जोन था जब आप डिसअपॉइंट हो गए थे, आपने कहा यार, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था आपने सोचा था कि यार मैं क्रिकेट ही छोड़ दूं यार इसे नहीं नहीं खैर इस वो तो आप ऑन अ लाइटर नोट बोल देते हो, आई मीन क्रिकेट या कोई भी प्रोफेशन है ये तो है ही हमेशा से चैलेंजेस आपको हर चीज़ में फेस करने होते हैं, यू हैव टू, और बड़ा प्लेयर वही मैं अपने आप को बड़ा तो नहीं बोलूँगा बट आई हैव सर्वाइव्ड फॉर गुड 15-20 ईयर्स, तो उस सेंस में मैं कहूँगा कि आपको अगर आपको चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके उनसे लड़ना आता है तो तभी आप कर पाते हो, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट। एक कहीं मैंने आर्टिकल पढ़ा था, वहाँ लिखा था सोहेल तनवीर रिटायरिंग एट द एज ऑफ 32 क्वेश्चन मार्क, कैसे लेते हैं आप इसको क्योंकि इंजरीज तो आपको रही हैं? या नी सर्जरी मेरी जो मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ ना, मुझे वो नी मेरी नी का जो इट गॉट ऑपरेटेड इन वेरी अर्ली टाइम ऑफ माई कैरियर, अगर आपको मतलब आई स्टार्टेड इन 2007 और 2009 में मेरी सर्जरी होगी, तो वो और उस टाइम पे इतना ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं थी, अगर आज से 15 साल पीछे आप देखो ना तो इतनी स्पोर्ट्स साइंस में इतनी वो अभी अवेयरनेस स्पेशली अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो वहाँ पर नहीं थी, तो उसको उस तरीके से मैनेज करना भी नहीं आया मुझे, ना मुझे आया ना जो रिलेटेड लोग थे उनको आया, तो उसको अगर हम बेहतर तरीके से मैनेज हो सकता तो शायद मैं और ज़्यादा क्रिकेट खेलता, बट ये भी रिग्रेट है कि मैं लास्ट जो अपना मैच खेला वो 2017 में था और उसके बाद मैंने बहुत क्रिकेट खेली और अपनी पीक वाली क्रिकेट खेली, दुनिया भर में परफॉर्म किया, यू टॉक अबाउट PSL, यू टॉक अबाउट CPL, यू टॉक अबाउट वेर एवर आई वेंट, जहाँ पे भी मैं क्रिकेट खेला है परफॉर्म डन और बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म किया, बट आई कुडंट गेट अपॉर्चुनिटी टू प्ले फॉर पाकिस्तान, तो वो क्वेश्चन मार्क डेफिनेटली इज राइट कि 32 की एज में आज से 6 साल पहले ही मैं, अगर आप देखो लास्ट तो मैं 2017 में खेला था, तो वो रिटायरमेंट उस टाइम अगर उस हिसाब से देखो तो हो चुकी थी, तो आई थिंक इट वाज बिट हार्श। क्या मैं ये टैग ले सकता हूँ दैट पाकिस्तान ने अगर और मौके दिए होते सोहेल तनवीर को तो पाकिस्तान की क्रिकेट बड़ी होती? चलिए आपका तो इजाफा होता परफॉर्मेंस में। देखिए दोनों का हो सकता था, जाहिर है अब मेरे भी नंबर्स बढ़ते और ऑब्वियसली मैं
जो मैंने परफॉर्मेंसेज दी वो लीग क्रिकेट में किसी फ्रेंचाइज के लिए, वो परफॉर्मेंसेज मैं दे सकता था पाकिस्तान के लिए, तो ऑब्वियसली वो दोनों तरफ का ही फ़ायदा हो सकता था। बट मैं आपको अनलकी वर्ड दे दूँ, दी मोस्ट अनलकी पाकिस्तानी क्रिकेटर वुड हैव गॉट चांसेस, ये आपको लगता है सही है? कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। थिंग्स कुड हैव बीन बेटर, अ लॉट बेटर, आई मीन इन टर्म्स ऑफ गिविंग मी अपॉर्चुनिटीज और मेरी परफॉर्मेंसेस भी। इवन व्हेन आई गॉट ड्रॉप्ड, मैंने वहाँ आई वाज प्लेइंग सीपीएल व्हेन आई वाज लास्ट ड्रॉप फ्रॉम द टीम, और उसी दिन मैंने 5-for-3 का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, मोस्ट इकोनॉमिकल 5-for-in T20 हिस्ट्री, और वो अभी भी रिकॉर्ड है अगेंस्ट बारबाडोस। तो नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन दे अनाउंस द स्क्वाड इन पाकिस्तान आई वाज ड्रॉप्ड, द थिंग इज आई वाज डूइंग वेल, बट एनीवेज क्या होता है, क्यों नहीं उठा इतना अच्छा स्पेल? आई डोंट नो, मे बी ऑन दैट टाइम दे वर थिंकिंग कि जी हमने यूथ पे इन्वेस्ट करना है, बट यूथ आई मीन 32 इज नॉट अ एज, यू नो, कि व्हेन यू टॉक व्हेन यू थिंक के जी वो नहीं। रीज़न मुझे ये लगता है क्योंकि मैंने जैसे आगे कहा कि मैंने इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेली थी कि पीपल वर थिंकिंग यार इसको कब से देख रहे हैं, इतनी क्रिकेट खेल चुका है, चलो किसी और को ट्राई कर लो, यू नो। एक मुझे ये लगता है कि शायद वो माइंड सेट था, बट एज वाइज 32 अगर आप आजकल देखो, एंडरसन इज हैट्स ऑफ टू हिम, ही इज प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट एट द एज ऑफ 40, यू नो। मिसबाह हैज प्लेड एट द एज ऑफ 40-42 आई गेस फॉर पाकिस्तान, यू नो। तो एज इज अ नंबर, इट डिपेंड्स के आप अपने आप को कितना फिट रखते हो और यू गुड इनफ टू कम्पीट। अगर आपको अभी बुला लें वर्ल्ड कप के लिए ना, आई एम डन नाउ फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, आई एम डन। सिल्वा थैंक यू सो मच, मैं तो इंडिया से यही बोलूँगा, हमें तो अच्छा है कि आपको फेस नहीं करना पड़ा हमें, बट बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हाय, मैं हूँ सोहेल तनवीर, यूवी की क्रिकेट डायरी रेडियो सिटी पर। थैंक यू यूवी की क्रिकेट डायरी ओनली ऑन रेडियो सिटी।